वडोदरा शहर में आवास योजना घोटाले में पकड़े गए वैसे कार्यपालक इंजीनियर प्रमोद वसावा को आखिरकार सस्पेंड किया गया, तो वहीं आज क्राइम ब्रांच ने दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश करते हुए कोर्ट ने दोनों अपराधियों के 3 दिनों के रिमांड मंजूर किए थे। वडोदरा शहर में आवास योजना घोटाले में पकड़े गए वैसे दोनों अपराधियों को आज कोर्ट में पेश करते हुए कोर्ट द्वारा 3 दिनों के रिमांड मंजूर किए गए हैं। नवापुरा पुलिस स्टेशन में कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर सैलिस मिस्त्री ने दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर राज्य सरकार के शासन के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 7 अगस्त को मनाये गये विकास दिवस अंतर्गत यहां पर वेबसाइट पर पूरी लाभार्थियों की सूची को बदला गया था, जिसमें राज्य के मंत्री योगेश पटेल के हाथों कॉरपोरेशन द्वारा विविध विस्तारों में बनाए गए हाउसिंग मकानों में से 382 मकानों को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए वितरित किए गए थे। सिटी इंजीनियर शैलेस मिस्त्री की शिकायत के आधार पर यहाँ पर लाभार्थियों की सूची कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर रखी गई थी, जिसमें MIS एक्सपर्ट निशित पिठवा ने IT शाखा के साथ संकलन करते हुए 382 हाउसिंग मकानों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की थी। दौरान कार्यपालक इंजीनियर प्रमोद वसावा ने सूची के बदले नई सूची तैयार करते हुए अपने पहचान वालों की सूची वेबसाइट पर रखी होने की नवापुरा पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जो ये बाहर आए भारी घोटाले के बाद नवापुरा पुलिस स्टेशन से ये जांच की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच के हवाले सौंपी गई, जहां आज क्राइम ब्रांच द्वारा दोनों अपराधी वैसे कार्यपालक इंजीनियर प्रमोद वसावा और MIS एक्सपर्ट निशित पिठवा को कोर्ट में पेश करते हुए कोर्ट ने 3 दिनों के रिमांड मंजूर किए है। तो वहीं कार्यपालक इंजीनियर वैसे वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी को अपने पद से भी सस्पेंड किया गया है, जहाँ MCI एक्सपर्ट निशित पिठवा को भी अपने फर्ज से बरतरफ करने के साथ उसे सस्पेंड किया गया। दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश करते हुए 3 दिनों के रिमांड मंजूर करने के साथ अब क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा सघन तहकीकात का दौर जारी किया है।